हाय गाइस, दिस इज सुजल सिंह। वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और बेसिकली एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो रहेगी जिसमें हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि जैसे कुछ लोग अगर मैनुअल से ऑटोमेटिक गाड़ी पे शिफ्ट हो रहे हैं या फिर जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ऑटोमेटिक गाड़ी कैसे चलती है, तो हम बिल्कुल आपको एक जीरो से ट्रेन करेंगे कि ऑटोमेटिक गाड़ी में कैसे कैसे इनकी हैंडलिंग रहेगी, फंक्शंस क्या क्या रहेंगे और आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप एक ऑटोमेटिक गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे कुछ लोगों के मन में बहुत टेंशन होती है कि ऑटोमेटिक गाड़ी हम कैसे चलाएंगे या क्या रहेगा उसका मैकेनिज्म। बहुत मुश्किल तो नहीं होता है, तो बहुत ही इजी मैकेनिज्म है, कोई भी इसे चला सकता है और विद इन आप एक हफ्ते में इसके परफेक्ट बन जाओगे, आप यूज्ड टू हो जाओगे। तो अगर आप सिंपल शब्दों में हम आपको समझाएं तो ये सेम वो हिसाब है कि आप अगर बाइक जैसे मैनुअल आपकी गियर शिफ्टिंग होती है उसमें, अगर आप स्कूटी भी शिफ्ट करेंगे तो उसमें आपको सिर्फ ब्रेक और एक्सीलरेशन पे ध्यान देना होता है। तो सेम मैकेनिज्म इसमें रहेगा, आपको सिर्फ एक्सेलरेट करना है और ब्रेक पे ध्यान देना है, बाकी काम सारा गाड़ी खुद करती है। तो गाइस, जो हम डेमोंस्ट्रेशन के लिए गाड़ी यूज कर रहे हैं वो है टाटा सफारी गोल्ड। मैकेनिज्म बेसिकली हर गाड़ी में सेम ही रहेगा, बस आपको 19-20 का थोड़ा फर्क मिलेगा इसमें। तो मैं आपको मेजर डिफरेंस जो एक मैनुअल और ऑटोमेटिक में रहता है वो ये है कि इसमें आपको सिर्फ दो पेडल मिलते हैं। अगर आप देखें तो इसमें आपको क्लच पेडल नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको दो पेडल मिलेंगे, एक रहेगा आपका ब्रेक पेडल और एक रहेगा एक्सीलरेशन के लिए। जो आपका लेफ्ट लेग है वो हमेशा एक डेड पेडल पे रहेगा, इसको आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। और फिर हम यहाँ की बात करें तो आपको इसमें चार मोड्स मिलते हैं, एक आपका पार्किंग मोड रहेगा, एक रिवर्स मोड, एक न्यूट्रल और एक ड्राइव मोड रहेगा। जो ये M लिखा है इसका मतलब होता है कि आप मैन्युअली भी आप गियर शिफ्ट कर सकते हैं, प्लस से आपका गियर इंक्रीज होंगे और माइनस से डिक्रीज होंगे। फिर इसमें आता है एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड का फंक्शन जो बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। तो चलिए गाइस, इसका इग्निशन ऑन करते हैं। अब इग्निशन ऑन करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो है कि गाड़ी आपकी बाय डिफ़ॉल्ट पार्किंग मोड में होनी चाहिए। जब आप इंश्योर कर लें कि ये पार्किंग मोड में है, फिर आप ब्रेक प्रेस करिए और एक बार आप इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन प्रेस करेंगे तो इसका इग्निशन ऑन हो जाएगा, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। और जो सेकेंड चीज़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हैंड ब्रेक का जो इग्निशन साइन है वो हमें शो हो रहा है। तो हैंड ब्रेक हटाने के लिए आप जैसे नॉर्मल हैंड ब्रेक आपका होता है मैकेनिकल, उसमें आप ऊपर खींचते हैं तो हैंड ब्रेक लग जाता है और नीचे करते हैं तो वो रिलीज हो जाता है, तो सेम आपको इसमें भी करना है। अपना इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको ऐसे रिलीज करना है, जैसे ही आप ये करेंगे यहाँ से आपका साइन हट जाएगा और जो आपका ब्रेक लीवर है वो आपको ऑटोमेटिकली थोड़ा लाइट फील होगा। सेकेंड चीज़ जो आपको करनी है गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए वो है कि आप गियर नॉब के आगे जो आपको छोटा सा एक लीवर दिख रहा है उसको प्रेस करके आप पार्किंग मोड से गाड़ी को ड्राइव पे शिफ्ट करेंगे। जैसे ही आप ड्राइव पे शिफ्ट करेंगे आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली ड्राइव मोड पे आ जाएगी और जैसे जैसे आप जो ब्रेक लीवर है उसको थोड़ा थोड़ा रिलीज करेंगे, जैसे जैसे मैं इसको थोड़ा थोड़ा रिलीज करूंगा गाड़ी अपने आप आगे मूव करने लग जाएगी, ये देखिए। इसके बाद आपका जो स्कूटी वाला मैकेनिज्म है, बेसिकली बाइक और स्कूटी वो एक्ट करता है कि स्कूटी में आपको सिर्फ दो चीज़ों पे ध्यान देना होता है, अपना ब्रेकिंग पे और एक्सीलरेशन पे। तो सेम वही चीज़ है, ब्रेक लगाने से आपकी गाड़ी रुक जाएगी और अगर आप एक्सीलरेशन करेंगे सेम वही चीज़ है कि एक्सी आप एक्सीलरेटर पे पैर रखेंगे गाड़ी आगे मूव करेगी और जैसे ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी आपकी रुक जाएगी। जो दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि गाड़ी जैसे आप ब्रेक लगाएंगे गाड़ी रुकेगी, इसमें आपको तुरंत ही एक अपना हैंड ब्रेक लगा देना चाहिए सेफ्टी के तौर पर और इसको वापस आप पार्किंग मोड में डाल दीजिए तो गाड़ी आपकी फिर से स्टेबल हो जाएगी। यहाँ पे फिर से हैंड ब्रेक लग चुका है, आप देख सकते हैं। अब अगर आप इवन ब्रेक से अपना पैर भी हटाएंगे तो गाड़ी स्टेबल रहेगी, आगे पीछे नहीं होगी। सेकंड चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है कि अगर आपको गाड़ी रिवर्स भी करनी है तो फिर से वही सेम मैकेनिज्म एक्ट करेगा। आप ये गियर नॉब पे इस लीवर को प्रेस करेंगे, इसको पार्किंग मोड से आपको जो आर मोड है रिवर्स मोड उस पर शिफ्ट करना है। जैसे ही आप इसे रिवर्स मोड में डालेंगे सबसे पहले जो चीज़ होगी वो है कि आपकी जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसमें आपको रियर व्यू दिख जाएगा। फिर आपको बस ये करना है कि हैंड ब्रेक आपको रिलीज करना है और जैसे जैसे आप ब्रेक से अपना पैर हटाएंगे गाड़ी अपने आप पीछे मूव होने लग जाएगी, ये देखिए। और सेम वही रहेगा, आप जैसे ही ब्रेक लगाएंगे गाड़ी रुक जाएगी, अपना आपने हैंड ब्रेक लगा दिया फिर से गाड़ी स्टेबल हो जाएगी। इसके बाद आपको बस अपनी गाड़ी पार्किंग मोड में डालनी है, फिर से वी आर बैक टू नॉर्मल। अब आपको कुछ नहीं करना है, गाड़ी स्टेबल हो गई है। जो एक और डिफरेंस इस गाड़ी में रहेगा वो है कि जो पार्किंग और न्यूट्रल मोड होता है इसमें मेजर डिफरेंस ये होता है कि अगर आप ड्राइव करते टाइम अपनी गाड़ी को पार्किंग मोड में डाल देते हैं तो आपको हैंड ब्रेक खुद लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, पर अगर आप गाड़ी को न्यूट्रल में लाते हैं इस तरह तो यहाँ पे आपका पार्किंग ब्रेक नहीं लगता, ये आपको मैनुअली खुद लगाना पड़ता है, जो मेजर डिफरेंस रहेगा इन दोनों मोड्स में।
बाकी अगर आपको मैनुअली भी गियर, आपको मान लीजिए आप कभी ड्रैग रेस वगैरह कर रहे हैं, तो अगर आपको मैनुअल कंट्रोल चाहिए गियर्स पे, तो आप बहुत ही इजीली बस आपको ये जो लिवर है गियर नॉब पे इसको प्रेस करना है इस तरह। और ये चीज आप ध्यान में रखिए कि कभी भी आप जब ये गियर नॉब प्रेस करेंगे तो आपका ब्रेक हमेशा प्रेस रहना चाहिए, वरना ये प्रेस ही नहीं होगा जो इसका लिवर है नॉब पे। तो दिखाइए, तो अगर आपको मैनुअल पे शिफ्ट होना है तो आप बस इसको नॉब को प्रेस कीजिए ऐसे लीवर पे और इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दीजिए। ये देख सकते हैं मैनुअल मोड पे शिफ्ट हो गया है। अगर आप ड्राइव करते हुए आप गियर शिफ्ट करना चाहते हैं तो प्लस से आपके गियर इंक्रीज होंगे और माइनस से आपके गियर लो होंगे। दिखा देते हैं आपको, तो यहाँ आप देख सकते हैं मैनुअल अपने आप ही फर्स्ट गियर में मैनुअल मोड पे वो डिपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और स्पोर्ट मोड इसलिए लिखा रहा है क्योंकि हम गाड़ी को भी स्पोर्ट्स मोड में चला रहे हैं। अब सेम मैकेनिज्म रहेगा, अगर आप इसे मैनुअली एडजस्ट करना चाहते हैं गियर्स को, तो आप धीरे धीरे जैसे ब्रेक छोड़ेंगे गाड़ी अपने आप ही आगे बढ़ने लग जाएगी। ये देख सकते हैं आप, और जैसे ही आप यहाँ से नॉब प्रेस करके एक लीवर आगे करेंगे, सेकेंड गियर में गाड़ी अपने आप शिफ्ट हो चुकी है। इस तरह से आप गियर्स को अप और डाउन कर सकते हैं मैनुअली। तो गाइस अब गियर्स की सारी बात हो चुकी है, जो एक फीचर इसका रह गया था वो है ऑटो होल्ड फीचर। बेसिकली ये फीचर आखिर क्यों एडिट किया गया था, तो जैसे आप एक ऑटोमेटिक गाड़ी को कभी ट्रैफिक में चला रहे हैं या फिर आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जैसे आप ब्रेक को थोड़ा सा भी रिलीज करते हैं गियर लगा के, तो गाड़ी अपने आप ऑटोमेटिकली मूव करने लग जाती है आगे। तो यही चीज आपकी ट्रैफिक में बहुत ही टायरिंग हो जाती है। अगर आप जैसे सिटीज में रहते हैं, मेन सिटीज में आप ड्राइव कर रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन निकाला गया था वो था कि ऑटो होल्ड फीचर इंट्रोड्यूस किया गया था गाड़ी में। इससे ये होता है कि आप अगर इसे एक्टिवेट करते हैं अपनी गाड़ी में, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। अब अगर आप गाड़ी ड्राइविंग मोड पे डाल के कहीं भी आप सिटी में ले जा रहे हैं, तो देखिए जैसे मैंने ब्रेक से पैर हटाया तो अभी गाड़ी चल रही है। अब मैंने मान लीजिए मैं ट्रैफिक में हूँ उस समय, मैंने एकदम से ब्रेक मारा, तो ऑटो होल्ड फीचर अभी एक्टिव है। अब अगर मैं ब्रेक से पैर हटाऊंगा भी तो गाड़ी देखिए आगे नहीं मूव कर रही है। अगर मुझे गाड़ी को आगे मूव करना है तो मैं एक्सेलरेशन पेडल पे ऐसे प्रेस करूंगा और मेरी गाड़ी आगे मूव करेगी, और जैसे ही मैं ब्रेक मारूंगा गाड़ी रुक तो जाएगी, पर ब्रेक पेडल से पैर हटाने के बाद भी गाड़ी आगे मूव नहीं करेगी। देखिए मेरे दोनों पैर अभी फ्री हैं और गाड़ी मूव नहीं करी है, एक जगह स्टेबल है। अगर ऑटो होल्ड फीचर अभी नहीं एक्टिव हुआ होता तो गाड़ी मेरी तुरंत मूव करने लग जाती ब्रेक पेडल से पैर हटाते ही। तो ये चीज जैसे आप कह सकते हैं कि ट्रैफिक में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। आप आराम से ऐसे ट्रैफिक लाइट पे आराम से ऐसे बैठ सकते हैं पैर हटा के, और जैसे कि आप नॉर्मल हाईवेज पे ड्राइव कर रहे हैं कभी आपको इस फीचर की नीड नहीं है, तो आप इसको बहुत इजीली यहाँ से डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। अब मेरी गाड़ी गियर में डालते ही ब्रेक पेडल से पैर हटाते ही आगे मूव करने लग जाएगी। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।